हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहितम प्रकाश, और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड यूनिट में फाइलम पोरीफेरा में साइकन स्पंज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल उसका फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम एक्सक्रीशन एंड एस्पायरेशन पढ़ा था, और आज हम उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उसका रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ साइकन। रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में प्रजनन भी कहते हैं। तो साइफा या साइकन में अलैंगिक एवं लैंगिक यानी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों विधियों यानी दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन या जनन होता है। तो पहला है हमारा अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है। स्पंज के आधार संलग्न सिरे के निकट से एक उधर यानी आउटग्रोथ की उत्पत्ति होती है, जिसे एक मुकुल यानी बड का निर्माण होता है। इस बड के ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है और पूर्ण रूपेण वृद्धि की हुई मुकुल या बड या तो अपने फीमेल एनिमल के साथ जुड़ी रहती है या उससे पृथक या अलग होकर एक फ्री एनिमल बन जाती है और अपने आधार यानी आधार तल यानी बेस सरफेस या बेस सबस्टेशन से चिपक कर एक नए स्पंज की का निर्माण या फॉर्मेशन करती है। तो अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आइए देखते हैं। साइफा या साइकन एक लिंगाश्रयी यानी मोनोसियस स्पंज है, परंतु स्त्री पूर्वता प्रोटोजेनी के कारण इसमें केवल परनिसेशन ही होता है। इसमें विशिष्ट जननांगों यानी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अभाव होता है। नरजनन कोशिकाएं यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स शुक्राणु स्पर्म्स और मादा जनन कोशिकाएं यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सेल्स अंडाणु या ओवा मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं। इनका विकास अविभेदित अमीबोसाइट्स यानी अनडेवलप्ड अनडिवाइडेड अमीबोसाइट से होता है, जिन्हें हम आद्य कोशिकाएं आर्कियोसाइट्स कहते हैं, और इनका डेवलपमेंट कोइनोसाइट से भी होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या है, आइए देखते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है या उसकी एक प्रोसेस है। तो इस एक शुक्राणु मात्र कोशिकाएं यानी मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम को वर्धित यानी एनलार्ज्ड आर्कियोसाइट भी कहते हैं,
परंतु गैटेन वाई ने स्पर्मेटोगोनियम को एक रूपांतरित कोनोसाइट्स बताते हुए कहा कि कोनोसाइट का संपूर्ण कसाबित प्रकोष्ठ एक शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। स्पर्मेटोगोनियम बनने के बाद शीघ्र एक या अधिक चपटी आवरण कोशिकाओं कवर सेल्स द्वारा आवृत हो जाती हैं। और इस प्रकार स्पर्मेटोसिस्ट की रचना होती है। आवरण कोशिकाएं मातृ कोशिका के यानी मदर सेल के विभाजन द्वारा या अन्य अमीबोसाइट या अदर अमीबोसाइट से बनती हैं। स्पर्मेटोगोनियम में दो या तीन विभाजन होते हैं जिससे स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं या फॉर्मेशन होती है और उनसे शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु में एक स्पष्ट गोल सिर यानी क्लियर सर्कुलर हेड एंड एक तरंगशील पूंछ होती है। पूंछ की कसाघाती गतियों यानी लैसिंग मूवमेंट्स द्वारा ही शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ वाटर में तैरकर स्विमिंग कर अन्य स्पंजों के अंदर पहुंचते हैं। अब इसकी हमारी दूसरी प्रोसेस है जिसे हम ऊजेनेसिस या अंडाणु जनन कहते हैं। तो ये क्या है आइए देखते हैं। अंडर मदर सेल्स या ऊसाइट्स की उत्पत्ति एक बड़े केंद्रक युक्त आर्कियोसाइट से होती है। कभी कभी इसका निर्माण एक ऐसे कोनोसाइट के परिवर्तित होने से होता है जिसमें भोजन या फूड की कुछ मात्रा संचित या स्टोर्ड होती है। कसाब नष्ट हो जाता है और वह मीजेनकाइम में पहुंच जाती है। अंडक या ऊसाइट्स अमीबोसाइट्स के समान गति या मूवमेंट करता है और अन्य कोशिकाओं अदर सेल्स जैसे अमीबोसाइट्स या स्पेसिफिक टाइप या विशेष प्रकार की नर्स कोशिकाओं नर्स सेल्स या पोस्ट कोशिकाओं ट्रोफोसाइट्स को खाकर वृद्धि या ग्रोथ करता है। दोनों परिपक्व विभाजनों के पश्चात अंडक से अंडाणु बन जाता है। यह स्पंज की अरियनाल यानी रेडियल कैनाल की भित्ति में वॉल में स्थापित होकर किसी दूसरे स्पंज से आए शुक्राणु द्वारा निषेचित होने यानी फर्टिलाइज होने के लिए तैयार हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है आइए देखते हैं। साइफा या साइकन में आंतरिक परनिषेचन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अंडाणुओं यानी ओवा का फर्टिलाइजेशन मीजेनकाइम में ही होता है। एक स्पंज के स्पर्म्स या शुक्राणु किसी दूसरे स्पंज के अंदर जल की धारा के यानी वाटर करंट के साथ एंटर करते हैं।
और अंडाणुओं यानी ओवा का निषेचन वही होता है। निषेचन की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और संभवतः यह सभी स्पंजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु पहले परिपक्व अंडाणु की बगल की कोनोसाइट में प्रवेश करता है और इसकी पुच्छ यानी टेल समाप्त या एंड हो जाती है और फूले हुए सिर के चारों ओर एक संपुट एक कैप्सूल बन जाता है। कोइनोसाइट भी अपना कॉलर और कसाव छोड़कर यानी फ्लैजला छोड़कर अमीबाव यानी अमीबाइड के समान हो जाती है। अब इसे वाहक कोशिका या कैरियर सेल या नर्स कोशिका या नर्स सेल कहते हैं। अंडाणु की बाहरी सतह पर यानी ओवा की आउटर सरफेस पर संपर्क के स्थान पर अंतर्वलन यानी इन्वेजिनेशन बन जाता है, जिससे वाहक कोशिका को एक शंकु जैसे गर्त में ग्रहण कर लिया जाता है। संपुट जिसमें शुक्राणु का सिर है और अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। गैटेन वाई तथा अन्यों के अदर्स के अकॉर्डिंग वाहक कोशिका भी अंडाणु के साथ संग्रहित या कोएगुलेट हो जाती है, परंतु ड्यूबोस्क एवं ट्यूजेट के अनुसार अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात यह पृथक हो जाती है। शुक्राणु या स्पर्म के सिर और अंडाणु के संगलन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट बन जाता है। तो आप ये डायग्राम बनाइए, ए बी सी ये तीनों स्टेजेस फर्टिलाइजेशन की हैं और ये कैलकुलाई स्पंज में फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस हैं। तो आप ये डायग्राम बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।